Hi friends, I'm Riya. Welcome to my channel Riya's Spiritual Remedies. Friends, अगर आपने मेरे अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके और ऊपर बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपलोड की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है एग्ज़ाम मंत्रा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो ये मैं वीडियो इसलिए अभी शूट कर रही हूँ ताकि अगर आप अभी से इन मंत्रास को पता रहेगी और इन बैचलर रेमेडीज के बारे में पता रहेगा तो आप एग्ज़ाम्स टाइम में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसलिए स्पेशली मैं अभी जितने भी वीडियोज़ कोशिश कर रही हूँ अपलोड करनी, वो सारी स्टडीज से रिलेटेड यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम मंत्रा है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बैच फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बैच फ्लावर रेमेडीज़ क्या होते हैं। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ फिर से कि बैच फ्लावर रेमेडीज़ एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो कि कम्प्लीटली सेफ होती हैं। आप किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ले सकते हैं, आपके बच्चे का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो आप उसको ले सकते हैं। ठीक, ये मेडिसिन जो है 38 टाइप्स की होती हैं और ये बेसिकली 1920 में डॉक्टर बैच ने डिस्कवर की थी इन मेडिसिन को। और इन मेडिसिन का काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत अच्छे से होता है, हमारे ऑरा पे बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने अपने बेटे के स्टडीज़ में 5 ईयर पहले यूज़ की थी और अभी भी यूज़ करती हूँ डे ऑन डे बेसिस पे जब मुझे ज़रूरत लगती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इस मेडिसिन को लाइफ लॉन्ग देते रहेंगे। इन मेडिसिन को आप अगर आपने जिस इंटेंशन से काम शुरू किया, लाइक 5 ईयर्स पहले मैं अपने बेटे को मेडिसिन देती थी, उसके बाद अब मैं उतना नहीं देती हूँ, ना ही उतना चैंट करती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने अंबिका मंत्र 1 ईयर तक का उसके लिए चैंट किया और अब उसकी मेमोरी ऑन हो चुकी है तो मुझे अब प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी जब मुझे कभी लगता है कि चैंट करना है, उसके एग्जाम्स हैं या फिर कुछ है, तो मैं कर लेती हूँ। तो चलिए आज जो बैच फ्लावर्स रेमेडीज के बारे में बात करने वाली हूँ वो है लार्ज स्क्लेरेंथस रेस्क्यू रेमेडी एंड वाइन। तो फ्रेंड्स, जो बैच फ्लावर रेमेडीज हैं इन्हें आप यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ है कि ये सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि मैं जो बैच फ्लावर रेमेडी उससे आपके बच्चों के सिम्टम्स चलूँगा तो उसमें चेंज करना पड़ सकता है। उसके लिए आप मुझे लिख सकते हैं मैं कमेंट बॉक्स में और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सही मेडिसिन एडवाइस कर सकूँ उस केस में। लार्ज जो देना होता है वो अगर आपका बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है तो देना होता है। स्पेशली क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और उन्हें आता हुआ आंसर भी वो भूल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो लार्ज इसलिए हमें देना है ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। दूसरी मेडिसिन है स्क्लेरेंथस। अक्सर ये देखा गया कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा अपने आंसर को रिकॉल नहीं कर पाता है, उसने पढ़ा है ऑल दो पहले ही लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाता है, तो वो अच्छे से आंसर को रिकॉल किए कर सके इसके लिए स्क्लेरेंथस है। जैसे आप बड़े बड़े एग्जामिनेशन देखिए, IAS, PCS, CAT, प्रोविजरी एग्जामिनेशन से या और भी किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में देखिए कि लोगों का ये कहना होता है कि मुझे तो आंसर आता था, मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे एग्जाम टाइम में याद ही नहीं आया। तो फ्रेंड्स, ये रिकॉल मेमोरी को इंक्रीज करता है ताकि आपका बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप स्क्लेरेंथस उसको देते हैं तो उसे रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर को। अभी रेस्क्यू रेमेडी एक तरह का आप समझ लीजिए, मैं आपको इसके फीचर बताऊंगी कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं और इसमें कई 5 कॉम्बिनेशन की मेडिसिन ऐड हैं ऑलरेडी। तो रेस्क्यू रेमेडी का मतलब है कि बच्चा एग्जाम के फियर से पैनिक ना हो जाए। जो कई बच्चों का आपने देखा होगा एग्जामिनेशन टाइम में जाने से पहले उनके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, वो डरते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, उन्हें ये लगता है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो घर में मुझे डांट पड़ेगी, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं उस चीज़ को लेके। स्पेशली अगर बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों की बात करूँ तो उनके लिए बहुत ही ये टफ टाइम होता है जब जहाँ से उनका करियर डिसाइड होना होता है, तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स के अच्छे मार्क्स आने का प्रेशर होता है कि उनके अच्छे मार्क्स आए तो मेरा क्या होगा, मेरे को एडमिशन, तो इस तरह का बहुत सारा प्रेशर होता है बच्चों के पास जिससे वो पैनिक हो जाते हैं। तो उसको हेल्प करने के लिए रेस्क्यू रेमेडी है, वो उसको स्टेबलाइज रखेगी उनके थॉट प्रोसेस को। इसके बाद है वाइन। वाइन मतलब कि वो एग्जामिनेशन हॉल में फास्टली रिस्पॉन्ड कर सकें,
मतलब दे आर लाइक, आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं, बहुत धीरे धीरे सोचते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं, आराम से करते हैं, तो वो उनको स्टडी फास्ट स्पीड लाएगा उनके काम को करने में, एग्जामिनेशन हॉल में उनकी स्पीड बढ़ा देगा आंसर्स को देने में, जिससे वो अपना एग्जामिनेशन हॉल में अपने क्वेश्चन पेपर को फिनिश कर सकते हैं ऑन टाइम। जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बेंच मार्क टाइम होता है 3 आवर्स का, तो वो विद इन दैट पीरियड अपने आंसर्स को अच्छे वे में रिकॉल करके राइट एंड प्रॉपर टाइम में लिख सकते हैं। और आप चाहें तो इम्पेशेंस भी ऐड कर सकते हैं कि बच्चा हरी में ना लिखे, वो इम्पेशेंट ना हो जाए लिखने में। अगर कई बार होते कि आंसर कॉन्फिडेंट में, ओवर कॉन्फिडेंट भी बच्चा है, तो बट इम्पेशेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के अंदर वो सिम्टम है कि वो हरी हो जाता है, जल्दी जल्दी में आंसर देता है, जल्दी जल्दी में करता है, तो आप उसे इम्पेशेंस को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम्स के लिए यही 4 मेडिसिन आपको देनी है, लैच, स्क्लेरेंथस, रेस्क्यू रेमेडी एंड वॉइन। ये मेडिसिन आपको किसी भी घर के आसपास होम्योपैथिक स्टोर्स पे बहुत ईजिली मिल जाती हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, 60-70 रुपये में ईजिली आपको मिल जाएंगी ये आपके घर के आसपास। आप दो तरह से मिलती हैं ये, आप चाहें तो लिक्विड्स में ले सकते हैं या फिर आप इसे पिल्स फॉर्म में ले सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करती हूँ, अगर आप एक बार ये मेडिसिन खरीद लेते हैं, आपके घर पर रहते हैं तो लॉन्ग टाइम चलती हैं, तो बेस्ट ये है कि आप इसे लिक्विड फॉर्म में खरीदिए, क्योंकि मैं इसे लिक्विड फॉर्म्स में ही खरीदती हूँ। और उसके बाद उसे आप वाटर में डाल के भी दे सकते हैं, और उसके बाद उसे आप खाने में भी डाल के दे सकते हैं, अगर बच्चा पानी में नहीं पीता है तो किसी भी तरह से आप उसे दे सकते हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए इन केस बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि उनके घर के आसपास बैश फ्लावर रेमेडीज ना मिल पाए। बैश फ्लावर रेमेडीज मिल जाती तो इट्स वेरी इजी कि आपका काम आसान हो जाता है, आपको जस्ट पिल्स देने होते हैं। अगर आप पिल्स लेके आते हैं तो 3 to 4 पिल्स 3 टाइम्स a day देने होंगे, एग्जामिनेशन के दिन देना है, तो आप उस दिन सुबह से उनको देना शुरू कर दीजिए। और उनको सेम ये मेडिसिन आप लिख के उनकी पॉकेट में भी रख सकते हैं पेपर पे। और चाहे तो जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो पेरेंट को क्या करना है, स्लो केयर रीच ऑन चैंट करना है, ताकि आपके बच्चा अच्छे से एग्जाम दे सके और अच्छे मार्क्स ला सके, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की रिकॉल मेमोरी को अगर आपने घर बैठ के चैंट किया तो बहुत फास्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे से बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। तो घर में बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि परेशान रहते हैं, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल देने गए हैं और पेरेंट्स परेशान होते रहते हैं, पता नहीं कैसे एग्जाम होगा मेरे बच्चे का, पता नहीं क्या लिख रहा होगा वो में। तो बजाय कि परेशान हो आप बैठ के और ऐसे थॉट प्रोसेस को अपने माइंड में लाएं, आप स्लो के रीच ऑन को चैंट करना शुरू कीजिए, आपके बच्चे का एग्जाम्स बहुत अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एग्जाम मंत्रा आज के लिए, आज का ये टॉपिक यहीं पे था, मेरा वीडियो आज यहीं तक का था। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, बेल बटन को दबाइए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और चैट करते रहिए, और मुझे अच्छे अच्छे न्यूज़ कमेंट्स में लिखते रहिए कि आपके बच्चों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं, आपने कैसा यूज़ किया, क्या रिजल्ट्स मिले। मैं इंटरेस्टेड हूँ आप सभी की टेस्टिमोनी जानने में कि आप सबके साथ इनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन सबका, तो मैं जा और अगर कोई एडवाइस चाहिए आपको तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको करेक्ट एडवाइस दे सकूँ। ठीक है, चलिए।